90 के दशक में बॉलीवुड पर राज करने वाली कई सारी वफादार शादीशुदा अभिनेत्रियों ने शादी की मजबूत डोर बांधकर अपने घर परिवार को इस तरह से संभाला है कि आज भी वो अपना घर संभालती हुई अपनी शादीशुदा जिंदगी खुशहाल तरीके से बिता रही हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि टीवी की इन्हीं वफादार अभिनेत्रियों में से ऐसी भी बेवफा अभिनेत्रियाँ रही हैं जिन्होंने बहुत कुछ होने के बाद भी अपना घर नहीं टूटने दिया और आज भी वो अपने पतियों के साथ है। तो आखिरकार कौन सी हैं वो बेवफा अभिनेत्रियाँ, आइए जानते हैं उनके बारे में। नंबर 8, शिल्पा शेट्टी। यूं तो एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी का अफेयर शादी के बाद भी अपने एक्स बॉयफ्रेंड अक्षय कुमार के साथ रहा था, मगर ये समय रहते संभल गई और इन्होंने अपना घर टूटने से बचा लिया। इसलिए तो आज ये एक आदर्श पत्नी की तरह अपने पति राज कुंद्रा संग हैप्पी मैरिज लाइफ स्पेंड कर रही है। नंबर 7, महिमा चौधरी। धड़कन और बागवान जैसे फिल्मों में काम करती हुई नजर आई एक्ट्रेस महिमा चौधरी शादी के बाद भी अपने एक्स बॉयफ्रेंड टेनिस प्लेयर लिएंडर पेस संग लाइमलाइट में आई थी, लेकिन इन्होंने जैसे तैसे करके अपना घर बचा कर रखा, पर इनके पति बॉबी मुखर्जी ने फिर भी इन्हें डिवोर्स देकर साइड कर दिया। नंबर 6, उर्मिला माथोड़कर। 90 के दशक की हुस्न भरी उर्मिला माथोड़कर काफी लंबे समय से निर्देशक राम गोपाल वर्मा को डेट कर रही थी, लेकिन इन्होंने कभी अपने पति मोहसिन अख्तर मीर को कानों कान खबर नहीं होने दी और अपना घर टूटने से बचा लिया। नंबर 5, जूही चावला। बड़े पर्दे की हसमुख एक्ट्रेस जूही चावला इतनी खूबसूरत और लाजवाब एक्ट्रेस होने के बावजूद भी इनका अफेयर किसी के संग नहीं रहा, क्योंकि इन्होंने हमेशा अपने पति जय मेहता से ही प्यार किया और आज ये उन्ही के साथ जीने मरने की कस्में खाकर खुशहाल जिंदगी बिता रही है। नंबर 4, सोनाली बेंद्रे। हम साथ साथ है फेम एक्ट्रेस सोनाली बेंद्रे ने शादीशुदा होते हुए भी अपने पति गोल्डी बहल से बेवफाई की थी, बावजूद इसके उन्होंने अपना घर टूटने नहीं दिया, क्योंकि इन्हें इस बात का पछतावा हो गया था कि ये गलत है और कभी कोई गलत काम करके वो कभी खुश नहीं रह सकती। नंबर 3, काजोल। बॉलीवुड के किंग खान संग हमेशा सुर्खियों में रही एक्ट्रेस काजोल भी बेवफा पत्नियों में से एक है जिन्होंने शादी के बाद भी अपने पति और बच्चों को छोड़ने का फैसला कर लिया था ताकि शाहरुख खान संग अपना घर बसा ले, मगर इन्होंने भी अपना घर सिर्फ इसलिए नहीं टूटने दिया क्योंकि ये अपने पति अजय देवगन से भी बहुत प्यार करती थी और अपने बच्चों के बगैर नहीं जी सकती थी। नंबर 2, माधुरी दीक्षित। यूं तो एक्ट्रेस माधुरी दीक्षित के चाहने वालों की कमी नहीं थी, इनके लिए तो कई बड़े बड़े अभिनेता अपना घर तोड़ने को तैयार थे, लेकिन इन्होंने भी कभी अपना घर तोड़ने के बारे में नहीं सोचा और हमेशा अपने पति श्री राम माधव ने संग रहने का फैसला किया। नंबर 1, रानी मुखर्जी। गोविंदा और अभिषेक बच्चन जैसे बड़े बड़े सुपरस्टार को अपना दीवाना बनाने वाली रानी मुखर्जी ने इन दोनों के लिए अपने पति आदित्य चोपड़ा से बेवफाई की थी, लेकिन इन्होंने कभी अपना घर न तोड़कर अपने पति की इज्जत संभाली और उनकी इमेज खराब नहीं होने दी। दोस्तों, क्या इन बेवफा अभिनेत्रियों ने अपना घर बचाकर सही किया या गलत? आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही ऐसी मजेदार खबरों को पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।